दिस इज आरजे पल्लव और आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा, जिले का नंबर एक रेडियो स्टेशन। और बोले तो हरपल बिंदास, अभी पहली बार यार किसी यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ भाई। आओ मित्र, लिए चलते हैं गाने की ओर। ये विविध भारती है और जिज्ञासा कार्यक्रम में यूनुस खान के साथ सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन सी किताबें आई हैं मार्केट में। मैंने एक रेडियो पे चैलेंज दिया था और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आज के ज़माने में वॉइस कल्चर जो है, वॉइस का जो आपका करियर है वो बहुत राइज कर चुका है और आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो बिल्कुल बनाना चाहिए और आपको बेधड़क इसके ऊपर काम करना चाहिए। मतलब एक करियर के रूप में बना सकते हैं इसमें, हाँ। भविष्य की संभावनाएं। आरजे पल्लव रेडियो के अलावे कौन है? नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज जिले के नंबर 1 एफएम रेडियो, रेडियो वर्षा 90.8 एफएम के स्टूडियो में। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि रेडियो वर्षा काम कैसे करती है और आपके जो फेवरेट आरजे हैं, आरजे पल्लव जी, उनसे भी मिलवाएंगे और पूरा रेडियो का स्टूडियो टूर आपको करवाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ रेडियो वर्षा के स्टूडियो के अंदर और यहाँ हमारे साथ हैं आरजे पल्लव जी, आपके फेवरेट आरजे पल्लव जी। पल्लव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ब्लॉग में। जी, और अभी हमारे साथ हैं मास्टर सोनू सर भी। सोनू सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी सोनू सर का लाइव चल रहा था। पल्लव सर, आज हम जानना चाहेंगे कि रेडियो वर्षा काम कैसे करती। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जैसे रेडियो वर्षा पे अपना जो इंट्रो देते हैं वो हमारे चैनल पे दें। हाय, दिस इज आरजे पल्लव और आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा, जिले का नंबर एक रेडियो स्टेशन। और बोले तो हरपल बिंदास, अभी पहली बार यार किसी यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ भाई मेरे, लेकिन मजा आएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हम जानना चाहेंगे कि अपना जो ये पूरा सेटअप थोड़ा सा टूर कराएंगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। यहाँ हम पॉडकास्ट वाला काम करते हैं, पहले रिकॉर्ड करके फिर उसको रेडियो पे ऑन एयर करना। और इसके ठीक इधर अगर आप थोड़ा सा कैमरा इधर लेके जाएं तो ये हमारा ऑन एयर रूम है जहाँ से हम लाइव करते हैं। और लाइव जब करते हैं तो सीधे डायरेक्टली आप सुन सकते हैं हमारी आवाज़, गाने फरमा सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। तो ये हमारा बस यही है, हमारी ज़िंदगी यही है, जन्नत भी यही है, तो यहीं से शुरू होता है। और देखिए क्या है कि जो रेडियो का आपने कहा कि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें कैसे हम लोगों तक पहुँच जाते हैं, तो ये सिंपल है। आप 8th क्लास या 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि जो ये आवाज़ होती है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी में बदल के इसको हम फिर थ्रू आउट ट्रांसमीटर हवा में छोड़ते हैं और फिर कहीं ट्रांजिस्टर रिसीवर होता है वो रिसीव करता है और फिर आप सुन पाते हैं रेडियो वर्षा। हमारी फ्रिक्वेंसी है 90.8 एफएम जिस पे आप रेडियो वर्षा को सुनते हैं। अच्छा। आप हमें ऐप से भी सुन सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है और वहाँ अगर आप सर्च करते हैं रेडियो वर्षा तो हम ऐप पे भी आपको सुनाई देते हैं। तो ये तरीका है सिंपली, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, क्योंकि साइंस तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं तो अगर सिंपली कहें तो इस तरह से हम सुनाई देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टेक्निक भी यूज होते हैं जैसे लोग कहते हैं कि आवाज़ को भारी करके रेडियो में सुनाया जाता है? क्या है कि सबसे बड़ी मीथ यही है, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनको ये लगता है कि हम रेडियो में अगर जाएं तो हम ऐसे बोलें ताकि लोग हमें सुन सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ज़माना गया। 60s और 70s के दौर में जो हमारे आरजेज हुआ करते थे वो उनकी आवाज़ में ये इस तरह का तरन्नुम होना ज़रूरी था, लेकिन आज आप चाहे किसी भी आरजे को सुने उनको नॉर्मल आवाज़ जैसी आपकी है वैसी ही आवाज़ होनी चाहिए ताकि आप लोगों को कनेक्ट कर सकें, ताकि लगे कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है, जो पल्लव है, ये अपना ही आदमी है, कहीं गॉड वॉइस तो नहीं है। आओ मित्र, लिए चलते हैं गाने की ओर, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो आपने कहा कोई आवाज़ आपकी बस सुनाई दे ये ज़रूरी है और आपका तलफ़ुज़ सही होना चाहिए। आप कैसे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं? माइक को अपने फ्रेंड की तरह देखते हैं? पूरा स्टूडियो खाली है जी और आपको बात करनी है तो हम अपने माइक को ऐसे देखते हैं कि ये एक जैसे होता है ना स्टार गेट है, जैसे आपने सुना होगा एक स्टार गेट होता है जिसे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा। तो हम लोग जैसे यहाँ आते हैं तो इसके आगे हमारी हमें लगता है कि दूसरी दुनिया है जहाँ एक मेरा और एक ही मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है जो मुझे सुन रहा है। तो जब हम उसके लिए बोलते हैं तो जितने लोग सुन रहे हैं सबको लगता है कि ये मेरे लिए बोल रहा है और इस तरह से हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। आरजे पल्लव रेडियो के अलावे कौन है? रेडियो के अलावे आरजे पल्लव वैसे तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल एक शायर भी है शायरियाँ भी लिख रहा है और रेडियो के अलावा आरजे पल्लव शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो शुरू हुई है वो रेडियो से ही शुरू हुई है और ऊपर वाले ने चाहा तो इसी पर ख़त्म भी होने वाली है।
आप कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं गोपालगंज से हूँ। मेरा गांव जादवपुर है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, लेकिन हम लोग शुरू से यहाँ राजेंद्र नगर में रहते हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर गोपालगंज रहा नहीं हूँ, मैं बाहर ही रहा, लेकिन हाँ मैंने यहाँ हायर सेकेंडरी जो है 10th यहीं से किया है और इसके बाद से मैं चला गया, तो मैं बेसिकली प्योर गोपालगंज से हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ की है? मैंने पढ़ाई गोरखपुर में की है, फिर मैंने लखनऊ में पढ़ाई की है, फिर दिल्ली में भी कुछ ट्रेनिंग्स की है मैंने। आपने आरजी की ट्रेनिंग कहीं से ली हुई है? हाँ बिल्कुल, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, एक तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, इंटैक्ट था, वहाँ हम करते थे, जो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गया। रिकॉर्डिंग से पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि आपके पापा चाहते थे इंजीनियर बने। हाँ, हर हमारे ज़माने में ये था ना कि पापा नहीं, सब कोई चाहता था कि बच्चा निकला है तो इंजीनियर, बच्ची निकली है तो डॉक्टर। तो मैंने भी IEEE का एग्ज़ाम दिया, बच्चे जो थे मेरे साथ, मेरे कजिन्स थे, मेरे दोस्त थे, सब इंजीनियर बन रहे थे, तो मैं भी इंजीनियर बनने के लिए यहाँ से गोरखपुर गया और मैंने एग्ज़ाम्स दिए इंजीनियरिंग का, माशाल्लाह हो भी गया, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ब्रिलियंट नहीं था, तो हो भी गया। तो फिर मैं घर आया तो मैंने पापा से कहा कि मुझे ये नहीं करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है तू अपन सोचा तरह जोन करेगा, मतलब गुस्से में उन्होंने कहा था। मैंने कहा पापा मुझे आप अभी ना 16,000 रुपये दे दो और मैं कल ही चला जाऊँगा। मैंने 16,000 रुपये लिए, मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ गया, मैंने वहाँ ढूंढा, चूँकि बात ये थी कि एक काउंसलिंग मैंने अटेंड की थी गोरखपुर में, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक काउंसलिंग हो रही थी कि हाउ टू चूज करियर। नवीन चंद्रा जी थे, बड़े शुरू का उनका काउंसलिंग था, तो उन्होंने कहा कि हाउ टू चूज़ योर करियर। तो उन्होंने मुझे उठाया और बोला कि पल्लव हैं आप? मैंने कहा हाँ, उन लिस्ट होती है उनके हाथ में, तो बोला कि आप कुछ बोलें। तो मैंने जब बोला तो बोला कि तुम्हारी आवाज़ तो रेडियो लायक है, और फिर वही मेरा घर हो गया मेरे दिमाग में। अच्छा, कि चलो भाई रेडियो। और मुझे शुरू से इसका जो श्रेय है वो मैं अपने फादर को दूंगा, क्योंकि शुरू से वो रेडियो सुनते रहे, उनकी वजह से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया। मेरा एक कज़िन था जो मेरे बहुत करीब है, तो वो भी रेडियो सुनता था, BBC लंदन आता था 8:30 बजे, हम लगा के सुनते थे। बंद हो गया, हिंदी से बंद हो गया, ये बड़ा दुख की बात है कि नहीं बंद होना चाहिए था। फिर खेल समाचार 7:30 बजे शाम को, हम चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें वो सुनना ज़रूरी था। फिर विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया, तो कभी कभी आपकी आवाज़ विविध भारती वाली आ जाती है। हाँ, वो भी कहानी अगर आप पूछेंगे तो मैं सुना दूंगा। बताइए, हम सुनने के लिए पहुंचे हैं आपके पास। तो क्या हुआ कि मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि रेडियो, यार रेडियो कहीं ना कहीं था, वो मैं भ्रम में चल रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मुझे बैंकिंग में जाना चाहिए, तो रेडियो कहीं था। और जब उन्होंने कहा कि रेडियो, तो फिर मैंने कहा कि IEEE मेरे से नहीं होने वाला है। मैंने रेडियो ज्वाइन किया और मेरे अंदर की टैलेंट की बात करें या ऊपर वाले की दया की बात करें तो एक ही रेडियो में मुझे मिल गया जान। अब आता है, ठीक इसी पे आता है ये, मैं सबसे पहले सुनता था, जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया और वो थे यूनुस खान साहब जी, जो विविध भारती में अभी भी मोस्ट पसंद किए जाने वाले आरजे हैं। तो उनको सुनते सुनते क्या हुआ गया ना कि मेरे अंदर वो आ गए। तो मैं जब पहले बोला करता था तो बिल्कुल हूबहू लगता था कि यूनुस खान बोल रहे हैं। एक बार थोड़ा सा बोल के बताएंगे ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो भी फील कर पाएं। ये विविध भारती है और जिज्ञासा कार्यक्रम में यूनुस खान के साथ सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन सी किताबें आई हैं मार्केट में। तो ये यूनुस खान का था। बिल्कुल। तो ये आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो लड़के हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। जो 90s के बच्चे होंगे ना, जो 90s के हम लोग जैसे होंगे, वो समझ पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और जो रेडियो सुन रहे होंगे अभी भी, यूनुस खान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शो करते हैं, लेकिन ये गलत है। मुझे पता चला कि ये गलत है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करके निकला तो मेरे अंदर यूनुस खान साहब थे, क्योंकि उन्होंने एक दो क्लासेस ली थी मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। अच्छा, उनसे क्लास आपने लिया? हाँ, वो आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में, एक बार आए थे बस, थोड़ा सा उन्होंने कुछ कहा था, मैं बस उनका भक्त था। तो मैं गया रेडियो सिटी में ऑडिशन देने, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे जितने सहपाठी थे, मेरे टीचर थे, बोलते थे कि यार तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मेरे टीचर ने एक बार बात वो कही थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं गया और रेडियो सिटी में मैंने ऑडिशन दिया, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गया। सेकंड राउंड में जो हमारे क्लस्टर हेड होते हैं, जो देखते हैं कि इस इलाके में किस तरह के शोज़ होने चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार तुम्हें मैं नहीं ले सकता। मैंने क्यों, मैंने तो सबसे अच्छा डिलीवर किया है। नहीं, तुम नहीं हो, तुम यूनुस खान हो और मुझे दूसरा यूनुस खान नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे धक्का लगा कि यार मैं जिस चीज़ को लेके चल रहा था ये तो गलत है। तो उन्होंने ही मुझे कहा, नाम उनका याद नहीं है, बहुत बहुत थैंक यू सर, कि कह दिया कि तुम अपनी आवाज़ डेवलप कर। अच्छा, हम थोड़ा सा अब जो बहुत बड़ा मुद्दा है अपने क्षेत्र के लिए उस पर बात करना चाहेंगे। सर, हमारे जो भोजपुरी गानों में, जैसे आप गोपालगंज से हैं तो भोजपुरी गाने ही बजाते होंगे लगभग, तो अश्लीलता बहुत फैल गई है
और इससे आप कैसे परहेज करते हैं, कैसे आप गाने चूज करते हैं जो रेडियो पे गांव में सुनाया जा सके, क्योंकि रेडियो जो है आपकी फैमिली सारी बैठ के सुनती है, लाउड स्पीकर स्पीकर बढ़ा के सब कोई सुनता है, कोई हेडफोन लगा के तो सुनता नहीं है। रेडियो वर्षा की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पूरी फैमिली के द्वारा सुने जा रहे हैं जी। एक छोटा बच्चा भी सुन रहा है, उसकी मम्मी भी सुन रही है, उसकी दादी भी सुन रही है, उसके पापा भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। और रेडियो एक बिल्कुल डोमेस्टिक मनोरंजन का साधन है, तो हमें बहुत मुश्किल होती है। हम पहले गानों को सुनते हैं, फिर गानों में देखते हैं कि क्या है, ये बजाने लायक है नहीं है। उसके बाद कई गाने तो ऐसे भी होते हैं कि जो कभी हमने प्ले किए, तो हमारे लिसनर इतने अच्छे हैं रेडियो वर्षा के लिसनर, उनको थैंक्स बोलूँगा मैं आपके ज़रिए कि वो हमें फ़ोन करते हैं कि सर उस दिन जो आपने गाना प्ले कर दिया था वो अच्छा नहीं था, तो फिर हम उसको कट कटाते हैं। यानी कि अगर सजेशन्स भी मिलते रहते हैं। और हम अगर एक एल्बम में, क्योंकि आजकल गोपालगंज से मुझे एक चीज़ बड़ी शिकायत के रूप में कहूँगा कि हर कोई गाना गा देता है और उसके बाद कोई एक गाना क्लिक भी होता है, अगर वो अश्लील है तो फिर हमारे पास फरमाइशें भी आती हैं। तो ये होता है कि क्या है कि हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, जैसे कोई ऐसा गाना आ गया जो सुनने लायक नहीं है। अब हमारे जो लिस्नर हैं बोले नहीं वही गाना सुनाइए, तो उन्हें हमें समझाना पड़ता है, एक द्वंद होना अपने अंदर फिर उनसे, क्योंकि वो हमारे लिस्नर हैं और वो हमारे लिए भगवान से तुल्य हैं। और अब उनको फरमाइशें भी पूरी करनी है, लेकिन हम वो बजा भी नहीं सकते, क्योंकि रेडियो वर्षा की पहले का नैतिक जिम्मेदारी है वो अश्लीलता बढ़ा नहीं सकता है। तो मैं जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं, भाई देखो क्लियर कट मेरी बात है कि अच्छे गाने गाओ, अच्छे गाने सुनने वाले ज़्यादा हैं। आजकल स्टूडियो जगह जगह खुल गए हैं और बहुत कम पैसे में, मामूली पैसे में लोगों को, और ट्यून वही रहता है, बस गाना मिक्स कर दिए, तो सिंगर भी रोज नए नए आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में एक सेंसर बोर्ड टाइप का कुछ होना चाहिए जो परमिट, वो परमिशन दे कि ये गाने मार्केट में जाने चाहिए? बिल्कुल, ये आज अभी आवाज उठ रही है, ये 10 साल पहले होना चाहिए, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों के लिए और फिल्मों के लिए, क्योंकि भोजपुरी शब्द ही एक ऐसा हो गया है ना सर, जब हमारे दिमाग में आता है कि भोजपुरी गाना, तब से हम लोग देखते हैं कि कोई अगर बगल तो है तो नहीं भोजपुरी बजाने से पहले, तो सर इसमें कैसे इसको कम किया जा सकता है, थोड़ा सा लोगों को मैसेज दें। देखिए बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी का जो पतन हुआ है ये हमारी वजह से हुआ, हम भोजपुरी लोगों की वजह से, क्योंकि हम सुनते हैं तभी तो वो सुनाते हैं, हम हेडफोन में लगा के सुने, हम ताली पे सुने, हम सरस्वती पूजा में सुने, ये बहुत गलत बात है और मैं बहुत हार्ड मैसेज देना चाहता हूँ, हम सुनते हैं वो सुनाते हैं। दूसरी बात कि हमें अपने तरफ से भी तो भाषा के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर हम किसी भी जगह पे हैं, अगर हम भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, भोजपुरियाँ हैं, तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और स्पेशली मैं रेडियो वर्षा में हर दिन एक शो में ज़रूर ये कहता हूँ कि भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, सेंसर बोर्ड आना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट सोचे, हम सोचे या कोई भी सोचे, क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा कि इतनी आसानी से लोग गाना गा देते हैं, इतनी आसानी से वो यूट्यूब जैसी चीज़ों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आजकल लड़कियों के डायरेक्टली नाम ले लेके गाने आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो ये कतई क्या अच्छा लगता है। मैंने एक रेडियो पे चैलेंज दिया था और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर जो भी गाना गा रहा है वो गाना फुल बूफर पे ऑन करके अपने माँ बहन पूरे परिवार के साथ सुन लेना, अगर तुम्हें सुनने में जरा भी शर्म नहीं आती है मेरे भाई, तो वो बजा भेज देना, मैं रेडियो वर्षा में बजा दूंगा, लेकिन लिख के देना। ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस तरह के गानों को हम बहिष्कार करें और रेडियो वर्षा बिल्कुल बहिष्कार, बिल्कुल जब तक बैकआउट नहीं होगा, इन सब चीज़ों का बहिष्कार नहीं होगा तब तक ये सुधार होने वाली बात नहीं, आप सुनेंगे तो सुनाएंगे ही। कई लोग हैं कि मंच पे बोल देंगे, जैसे मैं ही हूँ, मंच पे बोल दिया, आपके सामने बोल दिया कि नहीं सुनूंगा, और अभी दूसरी टाइम मैं अपने कार में बजा के सुनता हूँ, तो ये बायकॉट नहीं है। नहीं है बायकॉट मीन्स कि आप बजाना छोड़ो, आप मैं आजकल अश्लील गाने सुन के हिट होके लोग मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखिए आप अपना वीडियो डालेंगे, आपके व्यूज में टाइम लगेगा, उनके व्यूज में टाइम लगता है क्या? नहीं लगता, आप अभी उन्होंने 15 मिनट छोड़ा, YouTube पे आया, उनके देखो मिलियंस पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो वो बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को ज़रूरत है कि वो अपनी मेंटालिटी बदलें और उसका बायकॉट करें। और मैं ये जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, खासकर भारत सरकार, बिहार सरकार का कला विंग अपना है, वो इस पर ज़रूर काम करें। बिल्कुल सर, तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अपने ज़िले के युवा आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप सर अगर वो आरजे में करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक आरजे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने भाषा का ज्ञान। और ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आप भोजपुरी बोलते हैं तो आप आरजे नहीं बन सकते। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि भैया मेरा तो टोन भोजपुरी है,
मेरा भी टोन भोजपुरी है, भाई साहब का भी टोन भोजपुरी है, क्योंकि हम लोग यहीं के हैं। तो ये सोचना गलत है। दूसरी बात ये कि आरजे एक ऐसा होता है कि जिसको अपने भाषा की ज्ञान के साथ साथ अपने क्षेत्र का, जहां वो रेडियो जॉकिंग कर रहा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, उसके अंदर ह्यूमर होना चाहिए, उसके अंदर वो अपने आप को अपडेट रख, क्योंकि अभी जैसे मैं मास्टर सोनू सर से बात कर रहा था तो मुझे भी कराटे के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, तब तो मैं बात करूंगा। तो आरजे बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद को अपडेट रखना, भाषा की जानकारी रखना, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना, आवाज़ सबसे बाद में आती है। मतलब एक करियर के रूप में बना सकते हैं इसमें, हाँ, भविष्य की संभावनाएं? बिल्कुल, भविष्य की संभावनाएं हैं। एक अभी आज से 10-15 साल पहले ये करियर के रूप में आया रेडियो जॉकी। पहले लोग शौक के तौर पे रेडियो जॉकीज होते थे, रेडियो जॉकीज के बाद लोग आगे बढ़ जाते थे, जैसे उसमें उदाहरण के तौर पे सुनील दत्त साहब हैं, सोनू निगम हैं, आयुष्मान खुराना हैं, ये सारे लोग हाँ, पहले रेडियो जॉकीज थे, फिर धीरे 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 फिल्मों में आए, गानों में आए। पहले संभावनाएं सीमित थी। रेडियो स्टेशन बहुत कम हुआ करते थे, अब हर जिले में है। हमारे जैसे रेडियो स्टेशन हैं, कमर्शियल रेडियो स्टेशन हैं, खुद का अभी मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे ऐसे कई इंटरनेट रेडियो आए हैं जहाँ जॉकीज की कमी है, वो आपको पे करते हैं, आप जाइए वहाँ जॉक करिए शोज। तो अगर आप सोचते हैं कि एक बहुत छोटा करियर है या पार्ट टाइम करियर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी आज के ज़माने में वॉइस कल्चर जो है, वॉइस का जो आपका करियर है, वो बहुत राइज कर चुका है, और आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो बिल्कुल बनाना चाहिए, और आपको बेधड़क इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इसमें करियर नहीं होता तो आज आरजे रौनक, आरजे नवेद का नाम आपके जुबान पे नहीं होता। बहुत फेमस, बहुत फेमस है और यूट्यूब पे भी बहुत फेमस हो चुका है। और अभी तो यूट्यूब है, टिकटॉक है, इस तरह की कई चीजें हैं, हालांकि मैं उससे दूर हूँ लेकिन आप वहाँ जाके लोगों को टिकटॉक का भी टिकटॉक आने के बाद खुद गार्जियन को पता चला कि हमारे घर में भी कलाकार थे। पहले पता तो इस तरह की चीजें हैं जहाँ आप जाके अपने टैलेंट को बखूबी दिखा सकते हैं। और ऐसी कई चीजें हैं, अगर मैं थोड़ा सा डीपली जाऊँ, कॉमेंट्री है, वॉइस ओवर है, रेडियो जॉकिंग है, रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, ये तो थोड़ा अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा करियर डीप जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम जैसे रेडियो स्टेशंस को इस चीज़ को जूझना पड़ रहा है कि हमें रेडियो जॉकीज जल्दी मिलते नहीं हैं, जबकि हमारे यहाँ गोपालगंज में कई ऐसे लड़के हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्टेंट उनके पास होते हैं, लेकिन बात ये है कि वो इसको लाइटली लेते हैं। रेडियो पर बोलना, ये कौन सा करियर है? ये बहुत 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 अच्छा करियर। चलिए, अभी हमारे साथ थे आरजे पल्लव जी, रेडियो वर्षा पे इनको सुनते थे आप, आपने देखा नहीं था, फेसबुक लाइव में देखा होगा, लेकिन आपने परिचित नहीं थे इनको इनसे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी जिले के होनहार कलाकार हैं, जो भी नामी व्यक्ति जिनके बारे में आपने सुन रखा है, आपने देखा नहीं है, उन तक हम पहुंच के आप तक दिखाने का काम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे व्यूअर को। हमें कब बुला रहे हैं रेडियो में? अभी चले, बंद करते हैं कैमरा, शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा और काम है जिले के लिए। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अभी आपने मुझे एक ये स्टोरी जो आपने की थी, इंस्पायरिंग स्टोरीज थी दो आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के लोग भी यूट्यूब पे हैं अपने ज़िले से। क्योंकि मैं हमेशा क्या देखता हूँ, कॉमेडीज़ मैं देखता हूँ, कहीं से कुछ ऑर्केस्ट्रा का उठा के डाल दिया। बिल्कुल, तो आप एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आपके चैनल पे अभी लोग मुझे देख रहे हैं, ये इन्हीं की सोच है कि मुझे भी दिखा सकते हैं यार, तो आप इनको पूरा सपोर्ट करें। और मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि अच्छी चीज़ों का लोग सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मिल रहा है सर। मैं अभी शुरू किए हुए बहुत कम दिन हुआ, अभी 40,000 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, और लगातार डेली पर डे 1,000 से 1,500 लोग जुड़ रहे हैं। जी जी जी, तो ये इसका ये मतलब है कि आज भी लोग अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं, उसका अल्टरनेट उन्होंने बुरी चीज़ों को पकड़ रखा है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप गोपालगंज में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो बहुत ही काबिल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे साथ सोनू सर हैं, सोनू सर का वीडियो आपने देखा, पिछला वीडियो और डिस्क्रिप्शन में अभी भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका वीडियो वायरल हो चुका है गोपालगंज में। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अभिषेक सर को देना चाहूँगा। तो मैं तो सिर्फ अपने ट्रेनिंग सेंटर तक ही सीमित हूँ, बट सर ने अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर में उन सभी तक सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा की कला को फुल वीडियो सेटअप पहुँचवाया जो हम कभी सोचे नहीं थे। और बहुत बहुत मुझे खुशी हुआ इस बात का कि इतने सारे व्यूअर्स ने, लोगों ने, 25,000 से ज़्यादा ही लोगों ने अभी मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस की ये यूट्यूब वीडियो देख रखे हैं। ये सारा श्रेय हमारे प्रिय अभिषेक सर को जाता है, और साथ में हमारे पल्लव सर हैं जो रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक सेल्फ डिफेंस की जानकारी दे रहे हैं। आज हम सर वाला 8:40 में प्ले करने वाले 8:40 में आज शाम को, सुनना नहीं भूलिएगा
रेडियो वर्षा 90.8 एफएम पे सर का लाइव इंटरव्यू आने वाला है और आप सभी का प्यार ऐसे मिलता रहा तो मेरा भी बहुत जल्द बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। थैंक यू, नमस्कार।